लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ कविता पांडे। निगमायुक्त आशीष सिंह ने सोमवार को राजवाड़े का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राजवाड़े के जीर्णोद्धार का कार्य देखा और अधिकारियों को निर्देश दिए। इंदौर नगर पालिका निगम में राजवाड़ा के कायाकल्प से जुड़े कार्यों में गति लाने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। सोमवार को निगमा आयुक्त आशीष सिंह अपर आयुक्त संदीप सोनी के साथ राजवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजवाड़ा पैलेस का पूरा दौरा किया। इस दौरान निगम आयुक्त आशीष सिंह ने बताया कि यहां पत्थरों की घिसाई के साथ ही बाकी स्ट्रक्चर को भी ठीक किया जा रहा है। इस दौरान जो लकड़ियां पुरानी हो चुकी हैं उन्हें वन विभाग की लैब से जांच के लिए दिखवाया गया है। इसके बाद काम को पूरा करने में जल्द से जल्द संबंधित की जिम्मेदारी तय की जाएगी। निगमायुक्त ने बताया राजवाड़ा के दो ब्लॉक पूरी तरह धराशायी किए गए थे, उन्हें बनाने का काम चल रहा है। इसे 2 महीने में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद ही उन ब्लॉक को लोगों के लिए खोला जाएगा। नीचे के 3 फ्लोर पत्थर के बने हैं, उनकी पॉलिशिंग भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। हम इस पूरे काम को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जो नीचे के 3 फ्लोर्स हैं जो स्टोन के बने हुए हैं, वो वाला काम हमारा, जो भी इसकी साफ सफाई का काम, पॉलिशिंग का काम था, वो काफ़ी हद तक हो गया है। इसके अलावा एक ब्लॉक जो पूरी तरीके से कोलेप्स हो गया था, ख़त्म हो गया था जल के, उसको भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ ऊपर तक खड़ा कर दिया है। ये दोनों काम हमारे अगले 2.5-3 महीने में पूरे हो जाएंगे। लेकिन जो ऊपर के 3 फ्लोर हैं जो वुड से बने हुए हैं, लकड़ियों से बने हुए हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा अभी परेशानी और चैलेंजेस हम लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। खासतौर पर उनके जॉइंट्स में हम लोगों ने देखा है, जब हम लोगों ने उसको खोलना शुरू किया तो काफ़ी सारे गैप्स हैं उसमें, काफ़ी सारे क्रैक्स आ गए हैं और लकड़ियों की स्थिति भी जो है कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यही वो हिस्सा है जिसकी टिल्टिंग हुई थी। तो जो हम लोगों ने नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कराए हैं, उसके अलावा हम लोग एक सैंपल लकड़ियों का जो है वो FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में है वहाँ पर भेजेंगे। और वहाँ के कुछ स्पेशलिस्ट को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि जो वुड्स की स्थिति है वो क्या है, कैसे उसको और ज़्यादा हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उस पर उनकी एक्सपर्टीज की आवश्यकता होगी। तो जब सैंपल के टेस्ट आ जाएंगे और या वहाँ की एक टीम आके तो हम लोगों को कुछ सजेशंस देगी, उसके आधार पर काम करेंगे। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगने की संभावना है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।